ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो जनाजा है वो कब्रिस्तान के गेट पर पहुंच गया है। क्या कहेंगे, क्यों आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं? नारेबाजी कोई नहीं है, मोहब्बत है। बराबर हो जाए, फातिया हो जाए, उसके बाद आपकी मट्टी डाल के पढ़ लेगा, लेकिन इस वक्त लौट जाइए। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मुख्तार अंसारी का जनाजा है वो अब यहाँ पर कब्रिस्तान की तरफ पहुंच रहा है। भीड़ जो है, ये तस्वीर आप देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है, नारेबाजी के साथ लगातार पुलिस के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो लगातार व्यवस्था संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें देखिए, जो बड़े अधिकारी हैं वो भी लगातार आगे आगे चल रहे थे। और ये तस्वीर आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें किस तरह से जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है। एक पूरी मैन की जो लेन है वो बनाई गई है, चेन बनाई गई है चेन के साथ साथ। ये तस्वीर आप देखिए, खुद उनके जो पुत्र हैं वो लगातार लोगों को साइडलाइन कर रहे हैं। और ये आखिरी जो वक्त है यानी मुख्तार अंसारी का जो जनाजा है उसको देखने के लिए लगातार तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, देखिए जो रास्ते हैं पूरी तरीके से खचाखच भरे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये जो जनाजा है इस वक्त निकलता हुआ नज़र आ रहा है, ये आखिरी जो वक्त है यानी कि आखिरी ही इनकी यात्रा है, मुख्तार अंसारी की आखिरी यात्रा है, वो आज कब्रिस्तान पे जाकर समाप्त हो जाएगी। जो सुपुर्दे खाक हैं वो आज इनको कर दिया जाएगा। कल ही कब्र जो है वो बनाई गई थी, लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कुछ लोग हैं देखिए यहाँ पर भी जनाजे को रोक दिया गया। उनके बेटे लगातार कुछ अपील कर रहे हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं, उनके बेटे जो हैं विधायक लगातार अपील कर रहे हैं और तमाम जनता से अपील की जा रही है। देखिए कुछ लोग हैं कब्रिस्तान की तरफ, जो जनाजा जा रहा था उसको अचानक रोक दिया गया। हजारों की संख्या में जो है ये तस्वीरें, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें देखिए, कुछ लोग गिरते पड़ते हुए जनाजे को आगे लेकर जा रहे हैं। जनाजा जो है वो आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है, हजारों की भीड़ यहाँ पर इस वक्त है। ये तस्वीर आप देखिए, और ये अब जो कब्रिस्तान से महज 50-60 मीटर की जो दूरी है वो अब रह गई है। और काफ़ी लोगों को रोका गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार नज़र आई। और ये जो पीछे तक की भीड़ है, ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये पूरा जो सड़क है, पूरी जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। समर्थक लगातार नारेबाजी के साथ, यानी कि समर्थक लगातार उनको आगे लेकर जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से आज कहीं ना कहीं सुपुर्द खाक जो है उनको कर दिया जाएगा। आप चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी है, प्रशासन के लोग लगे हैं, आला अधिकारी लगातार मौजूद हैं। और ये तस्वीर सीधे इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीधे तस्वीर जो है वो मुख्तार अंसारी के जनाजे ये देख सकते, खेतों के बीच में से निकलते हुए समर्थक जो हैं वो पहुंच रहे हैं, जिनको पुलिस ने कहीं ना कहीं रोक दिया था। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, खेतों के बीच में से जो है वो लगातार समर्थक जो हैं वो निकल रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जनाजे में शामिल होने के लिए हज़ारों की भीड़ इस वक्त यहाँ पर पहुँच रही है।
और सीधे कब्रिस्तान की तरफ जो जनाजा है वो पहुंच गया है। कब्रिस्तान का गेट है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो जनाजा है वो कब्रिस्तान के गेट पर पहुंच गया है। हमने आपको दिखाया खेतों से निकलते हुए लोग, गलियों से निकलते हुए लोग इस जनाजे में पहुंचे हैं। देखिए पुलिस सुरक्षा के साथ साथ लगातार जो जवान हैं CISF के जवान हैं वो अब पीछे से आते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, यानी लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन किया गया है पूरी तरीके से। बड़े आधार अधिकारी हैं जो पूरी तरीके से अलाउंसमेंट पीछे से करते हुए आ रहे हैं, भीड़ ना होने पाए। जनाजा आ चुका है, जनाजा पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कब्रिस्तान के पास पहुंचने की जद्दोजहद में हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, बड़े आला अधिकारी हैं लगातार। ये तस्वीर आप देखिए और देख सकते हैं अंदर जो है मेन गेट जो है उसको खोल दिया गया है। उन्होंने जबरदस्ती जिस तरीके से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देखिए भीड़ को और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। खुद सांसद अफजाल अंसारी यहाँ पर आए, उन्होंने अपील की लोगों से कि इस वक्त आप लौट जाइए, अभी ठीक नहीं है। तस्वीर देखिए आप, अनाउंसमेंट करते हुए खुद जो अफजाल अंसारी हैं, उनके भाई हैं, सांसद हैं, वो खुद इस वक्त जो है बाहर खड़े हुए हैं। और कब्रिस्तान के बाहर देखिए DM जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, आला अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन सभी से अपील की जा रही है कि यहाँ पर भीड़ एकत्रित ना करें, कहीं ना कहीं बाद में आकर जो भी मिट्टी देने की जो रस्म है उसको बाद में कर सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो प्रशासन है पूरी तरीके से, प्रशासन के साथ साथ जो अफजाल अंसारी हैं वो यहाँ पर लोगों को समझाते हुए, बुझाते हुए, उनको घर की ओर भेजते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए हाथ जोड़कर लगातार गुजारिश की जा रही है, घंटे दो घंटे बाद आ पाए, बराबर हो जाए, फातिया हो जाए, उसके बाद आपकी मट्टी डाल के पढ़ लेगा, लेकिन इस वक्त लौट जाइए। बात बिल्कुल खराब हो रही है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए, लौट जाइए, लोग मत ताकिए रुक रुक कर। क्या कहेंगे, क्यों आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं? नारेबाजी कोई नहीं है, मोहब्बत है। हम लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत में हम लोग आए हुए हैं और हम लोग यहाँ मिट्टी देके मोहब्बत से जाएंगे। हम प्रशासन अपील कर रहा है, उनके भाई खुद अफजाल आकर अपील की जी, उनकी बातों का हम लोग सम्मान रखते हैं और हम लोग सम्मान रख के ही पीछे हट गए। और दूसरी चीज कि उनके मानने वाले एक महीना अगर मिट्टी पड़ेगा तो एक महीने तक मिट्टी देने के लिए लोग आएंगे। मिट्टी देना चाहते हैं हम लोग, यहाँ मिट्टी देकर जाएंगे हम लोग, यहाँ पर आके खड़े हैं। देखिए लगातार प्रशासन मनाने की कोशिश कर रहा है, प्रशासन लगातार हिदायत दे रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन अपील कर रहा है, प्रशासन के आला अधिकारी अपील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो जिद पर हैं कि भाई हम मिट्टी डालेंगे। लेकिन लगातार खुद जिस तरीके से अफजाल अंसारी सांसद आए, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन युवा है कहीं ना कहीं अपना जो उनका भाव है वो नजर आ रहा है। पुलिस पूरी तरीके से कॉपरेट कर रही है। ये तस्वीर देखिए आला अधिकारी यहाँ पर, आपसे अपील भी तो की जा रही है, प्रशासन अपील कर रहा है, तो शांति तो हम लोग खड़े हैं, तो शांति जगह प्रशासन खड़े, प्रशासन के लोग भी अपील कर रहे हैं, खुद मुख्तार अफजाल अंसारी आकर ठीक है, सांसद जी कह रहे हैं तो हम लोग मिट्टी देकर जाएंगे, प्रशासन वाले जा रहे हैं भड़का रहे हैं, हम लोग मिट्टी देकर जाएंगे। बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, आप ही लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रहा प्रशासन, हम शांति ही थी ना, कोई दिक्कत तो नहीं था ना, कल से आप भी हैं यहाँ, जनता भी है ना, कल रात से अभी तक कुछ हुआ नहीं ना, आप भी गवाह हैं, जनता भी गवाह है, जो हो रहा अभी ना हो रहा है। हम लोग भी कल 5 बजे का शाम ही का आए मिट्टी देने के लिए ना, मोहब्बत ही में ना सब यहाँ इकट्ठा है, नहीं तो किसका पड़ा है, सब सब यहाँ पे रोजा है, किसी को शौक है गर्मी में यहाँ खड़े रहने का 24 घंटे
हम यहीं पे हैं। गरीबों की मसीहा 25 किलोमीटर दूरी से चल के आए हैं, 24 किलोमीटर दूर यहाँ। खुद सांसद अफजाल अंसारी आए, उन्होंने कहा कि अपील की आप लोगों से कि भाई आप लोग शांति, हमको तकलीफ है प्रशासन को, हम लोग चुपचाप खड़े थे यहीं पे, प्रशासन खेद रही है कि आप लोग हटिए हटिए हटिए, वो लोग खुद बोले कि लाइन लगाए खड़े हो जाए, लाइन खड़े लाइन होके लाइन लगाए खड़े हो जाए, प्रशासन बात कर रहा है। देखिए कुछ लोग हैं लगातार, हालांकि जो लोगों की नाराजगी भी यहाँ पर है, युवा वर्ग है, और युवा वर्ग जो आया है वो लगातार यहाँ पर, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए। कम से कम मट्टी तो दिया जाए, वो कह रहे हैं मट्टी देना, लेकिन अभी प्रशासन कॉपरेट कब तक देंगे, अब तो मट्टी हो गई, अब तो इतने हो गया है। चलिए सड़क पर कोई नहीं, और तस्वीरें आप देख सकते हैं पूरी तरीके से, जो इस वक्त सड़कें हैं वहां पर जो समर्थक हैं वो लगातार हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति नहीं दिया है। संविधान में कहाँ लिखा गया है कि मट्टी नहीं देना, देने में आने पर रोकना चाहिए। दो ढाई घंटा हो गया हम लोग को, आजादी का सबको अधिकार है। सकते हैं किस तरीके से, हालांकि प्रशासन लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीड़ जो है वो लगातार इससे पहले भी बेकाबू होती हुई नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं आला अधिकारी जो है वो लगातार नजर आ रहे हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है। पहले जो है खुद यहाँ पर सांसद आए, उन्होंने समझाने की कोशिश की, अब उनके जो लोग हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए समझाकर बुझाकर लोगों को भेजा जा रहा है, हालांकि तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त जो है भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पहले वे सांसद अफजाल अंसारी आए, विधायक खुद आए हैं, और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, आप जाइए अभी फिलहाल के लिए जाइए, और बाद में हो सकता है जब समय होगा तो आप आइएगा, लेकिन अभी लोगों को समझाकर बुझाकर उनको यहाँ से प्रशासन की तरफ से और खुद जो परिवार के लोग हैं उनकी तरफ से यहाँ पर से भेजा जा रहा है।